गोहाना के लघु सचिवालय पर किसानों का धरना 87 दिन भी जारी है। कृषि विभाग के अधिकारी देवेंद्र लांबा धरनास्थल पर पहुंचकर किसानों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि कागजों की कमी के चलते किसानों को उनकी खराब फसलों का मुआवजा देने में देरी हो रही है। सोनीपत जिले में 1079 किसान हैं जिनको अभी तक उनकी खराब फसलों का मुआवजा नहीं मिला। किसानों का कहना कि जब फसलों का बीमा करवाया जाता है सभी कागजात होते हैं, अधिकारियों को बचाने के लिए झूठ बोला जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि मुआवजा नहीं मिलने तक धरना जारी रहे। किसानों के बीच में आज उपायुक्त महोदय का आदेश था कि हमारे रबी के कुछ क्लेम पेंडिंग पड़े हुए हैं किसानों के, कि उसके लिए जो किसान धरने पे बैठे हैं उनसे मुलाकात करके उसकी स्थिति से अवगत कराएं। यहाँ प्रधान जी हैं और दूसरे किसान हैं जो धरने पे बैठे हुए हैं, इनको बताया है कि जो एक ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम होता है उसके अनुसार हमने डिस्ट्रिक्ट पे डिसाइड करके केसेस को स्टेट लेवल पे जो डिसीजन लेना होता है वहाँ पेंडेंसी थी, स्टेट लेवल पे उसका डिसीजन अभी नहीं हुआ था, उसके लिए कुछ हमें इंफॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट से लेनी थी, कुछ क्लेरिफिकेशन लेनी थी, वो हमने ले ली और सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें आदेश प्राप्त हुआ कि जिन किसानों के कुछ कागजों में कमी है वो कागज पूरे करवा दिए जाए ताकि उन किसानों को उनका मुआवजा दिलवाया जाए। आज 87 दिन हो गए धरने के चलते और हमें मुख्यमंत्री से भी रिक्वेस्ट कर चुके हैं, पूरा मुख्यमंत्री से भी रिक्वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन आज एसओ देवेंद्र लांबा जी डीसी महोदय सोनीपत ने यहाँ भेजे हैं किसानों के पास में। और आज भी हमें ये उम्मीद थी, जैसे अखबारों में खबर पड़ी आज अकबर डीसी ने ये कहा अकबर जल्दी जल्दी पैसा दिलवाओ बीमा कंपनी से, लेकिन आज भी वही पुरानी बात किसानों को बकाने के लिए यहाँ आगे कि भाई ये कागज दो वो कागज दो वो कागज दो, लेकिन कंपनी के पास सारे कागजात हैं। जड़े बात थी उड़े खड़ी है हमारे को बकाने के लिए, हमारे को भटकाने के लिए ये लंबा साहब आए हैं। इनका कोई औचित्य नहीं है, अगर कोई औचित्य है गाइडलाइन के अनुसार बीमा कंपनी कहीं सही है ये सही है, आप किसान गलत है तो ये लंबा साहब खुद बताएंगे।